चार पांच लोग विनेश फोगाट और साक्षी भाई, उनकी बपौती नहीं है कि वही हर बार खेलेंगे, हर बार वही जीतेंगे। देश के और भी खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। हमारे देश में ऐसे पहले भी फेडरेशन रहा, जैसे पहले भी अध्यक्ष हुआ करते रहे, लेकिन आज तक शायद ही मेडल के नाव पर हम लोग खाली नाम जानते हैं कि हाँ मेडल आवत है, बाकी आज तक कोई मेडल आवा नहीं। और सर बिना नेशनल खेले सीधे ओलंपिक में जाना चाह रहे हैं? हम इस समय नवाबगंज के नंदिनी नगर कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र पे खड़े हैं। जैसा कि पहले से जानकारी है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ पहलवान हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो कुछ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद दिग्विजय शरण सिंह के ऊपर कुछ गंभीर एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं और लगातार वो उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ नंदिनी नगर में आज खुद बृजभूषण शरण सिंह मौजूद हैं और शाम 5 बजे बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है, लेकिन उससे पहले उनकी इसी प्रांगण में यहाँ के कुछ लोग खड़े हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सांसद के ऊपर जो ब्लेम लगाए गए हैं वो कितने सत्य हैं या फिर कितने असत्य या निराधार हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रदीप तिवारी। जैसे कि सांसद जी का कुछ आरोप लगा हुआ है, वो आरोप आप लोग का क्या लगाते हैं, कितना असत्य है या फिर उसमें कितने दम है? जितना भी आरोप है पूरी तरीके से कूटरचित है, पूरे तरीके से बेबुनियाद है। यह आरोप में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जाने थे पिछले 10 से 12 साल में, अगर कुश्ती का जमीन से आसमान पर कोई ले जाने वाला व्यक्ति है तो माननीय नेता जी हैं। कुश्ती जैसे खेल के पूरे देश में पूरे विदेश में डंका बजवाए माननीय नेता जी के सालिध्यमा ऐसा कुछ संभव हुआ। दूसरी बात, हमारे देश में ऐसे पहले भी फेडरेशन रहा, जैसे पहले भी अध्यक्ष हुआ करते रहे, लेकिन आज तक शायद ही मेडल के नाव पर हम लोग खाली नाम जानते हैं कि हाँ मेडल आवत है, बाकी आज तक कोई मेडल आवा नहीं। ये काद दुई का छोड़ के जब से नेताजी फेडरेशन के कमान संभाली तब से मेडल का एकदम से बरसात सी हुई है। ये आप बता रहे जैसे कि हरियाणा के कुछ लोग हैं और वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग नहीं खेल पाएंगे या खेल पाएंगे, तो गोंडा वाले कैसे उन्हें जवाब हैं? सीधा जवाब है, पहले तानाशाही रही 10 साल से, तानाशाही बंद नहीं हुए, चाहते रहे हम जोन चाहते हरियाणा भाई होते रहा वो बंद है। हरियाणा के बहुत जूनियर पहलवान यहाँ आपके मिले हैं, उनसे भी तभी के बारे में उनसे पूछा जाए कुश्ती का, वो तो चाहते हैं कि बड़े पहलवान है, वो गोल्ड मेडल डायरेक्ट चाहते हैं कि हम ओलंपिक खेलें, तभी चाहते सर 10 साल पहले कुश्ती का रहा यहाँ कोई पकारा नहीं रखा, अच्छा कोई कुश्ती जनता ही नहीं रहा। आज नेता जी का कुश्ती करना ऊपर ले गए, आज हमारे लोग को बहुत सौभाग्य बनता जितना कुश्ती, लेकिन कुछ दो चार लोग हैं जो लगा हैं राजनीति के शिकार हैं वो लोग, और कुछ ना जंतर मंतर पर बैठा है सब तरफ है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि वो राजनीति के शिकार हैं और जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो भी पूरी तरीके से निराधार हैं। लोगों का यह भी कहना है कि कुश्ती को जो बढ़ावा पूरे भारत में मिला वो सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बदौलत ही मिला। कुछ और लोग हैं उनसे भी जानेंगे, तो आप ये बताओ भैया कि गोंडा वाले हरियाणा वालों का कैसे जवाब देंगे? हरियाणा वालों का पूरे हरियाणा वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, लगभग 90% खिलाड़ी हरियाणा के माननीय नेताजी बृजभूषण शरण सिंह जी के साथ हैं, और बजरंग पुनिया की और जो लोग हरियाणा के जो चार पांच लोग उनकी बपौती नहीं है कि वही हर बार खेलेंगे, हर बार वही जीतेंगे। देश के और भी खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। अभी तक नेताजी बृजभूषण शरण सिंह जी जब तक नए नियम नहीं लागू किए थे फेडरेशन ने, तब तक बहुत अच्छे थे। अब जब नए नियम आ गए हैं कि नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए, तब से पूरा सब कह रहे हैं बहुत खराब है। ठीक है, हम लोग पूरी तरीके से अपने पूर्वांचल के शान, अपने गोंडा के शान माननीय नेताजी बृजभूषण शरण सिंह जी के साथ हैं। भैया आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास शुक्ला है। क्या लग रहा है जो एलिगेशन लगाए गए हैं सांसद जी पर वो कितने सत्य हैं, अगर असत्य हैं तो फिर क्या होना चाहिए? एकदम से निराधार है जितना आरोप लगा हुआ है नेताजी पर, और जो भी है नेताजी नया नियम बनाया है, नए नियम के तहत जैसे जो भी फेडरेशन नियम बना रहा है उसके तहत आप आइए, आप सीधे कैसे ओलंपिक में जाए, नेशनल नहीं खेलना है इन लोगों को, और सिर्फ बिना नेशनल खेले सीधे ओलंपिक में जाना चाह रहे हैं, तो अब ऐसा नियम आ गया है कि नेशनल खेलेंगे टेस्ट देंगे, तो अब वही है समस्या है उन लोगों को, वो चाह रहे हैं कि मेरी ही बपौती है, हम ही मेडल लाएं, हम ही रहें, और जो युवा आ रहे हैं नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको चांस ना दिया जाए। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर देखा कि जो लोग हैं यहाँ नंदिनी नगर में इस समय मौजूद भी हैं उनमें आक्रोश भी है, और साफ तौर पर लोग यह भी कह रहे हैं कि जो नया नियम WFI ने बनाया उससे जो जंतर मंतर पर बैठे पहलवान हैं उनको दिक्कत है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गोंडा के लोगों में खासा आक्रोश है उन पहलवानों के प्रति। तो दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि अब 5 बजे के बाद सांसद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें कौन सा बड़ा खुलासा कर सकते हैं। गोंडा से विशाल सिंह, नवभारत टाइम्स।